जम्मू कश्मीर के ऐसे कितने मनाजिर हैं जो लोगों का दिल मोह लेते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, लोगों को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर का भद्रवाह भी उन्हीं में से एक है जहां पे लोग बड़ी तादाद में इस तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जबकि वादी के ज़्यादातर अजला में न बर्फबारी हुई न बारिश का कोई इम्कान नज़र आया, हालाँकि लगातार ऐसी बातें कही जा रही थी कि लगातार बर्फबारी और बारिश की वजह से तमाम तर चीज़ें ठप हो गई हैं। सयाहों की आमद का जो सिलसिला है वो बिल्कुल बदला हुआ है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं और सयाह मायूस होकर के यहां से जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस मर्तबा भद्रवाह ने या भद्रवाह की वादियों ने उन तमाम तर जगहों की उन तमाम तर परेशानियों को, सयाहों की उन मायूसियों को दूर कर दिया है। सीधा रुख करेंगे बारामूला का। हमारे नुमाइंदे आदिल डार हमारे साथ सीधा बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज टूरिज्म डे के मौके पर क्या कुछ एक्टिविटीज़ देखने को मिली आपको। बिल्कुल आमिर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज पूरे अगर हम कंट्री की बात करेंगे, यहाँ पर आज नेशनल टूरिज्म डे के हवाले से मुख्तलिफ तरह के तकरीबात का इनका जो है वो देखने को मिला। जहाँ हमने देखा कि आज यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के सेमिनार सिम्पोजियम का आयोजन जो है वो किया गया था। वही अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी के अलावा भी देखेंगे, पूरे मुल्क में जो इस तरह का जो यहाँ पर नेशनल टूरिज्म डे मनाया गया, इसमें हमने देखा कि यहाँ पर जो लोगों में अवेयरनेस भी फैलाई गई, वही जितने भी यहाँ पर जो पर्यटन थे वहाँ पर भी जो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स का आयोजन जो है वो देखने को मिला। आज अगर हम शायद गुलमर्ग की बात करें, चूंकि नॉर्थ कश्मीर का इलाका जिला बारामूला का इलाका में पड़ता है, तो हमने देखा कि शायद इमकाम गुलमर्ग के अंदर जो है गुलमर्ग जो अथॉरिटी महकमे सेहत और जितने भी यहाँ पर अमला है उन्होंने बाजबे तौर जो है आज इस हवाले से एक प्रोग्राम का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया। चूंकि हमने देखा कि आज गुलमर्ग के अंदर जो है एक सैनिटेशन ड्राइव यहाँ पर महकमे सेहत और गुलमर्ग जो अथॉरिटी जॉइंटली यहाँ पर चलाया, तो उसके बेहद हमने देखा जितने भी यहाँ पर स्टेक होल्डर्स है, जितने भी ऑफिशल्स है, जितने भी अफसरान ने बाजबे तौर आज इस जो इस सफाई मुहिम में जो है यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर लोगों को भी एक अवेयरनेस की कि ताकि जो नेशनल टूरिज्म डे यहाँ पर मनाया जा रहा है, इस सवाल से लोगों में एक अवेयरनेस जाग जाए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है लोगों तक पहुँच जाए, ताकि वो अपने इस आसपास के माहौल के साथ साथ जितने भी यहाँ पर पर्यटन स्थल है कहीं ना कहीं उन पर साफ सफाई का जो है खासा ध्यान दें। वही हमने देखा कि जब हमारे यहाँ पर जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनसे हमारी बातचीत, उनका ये कह रहा है कि चूंकि गुलमर्ग में जो है ऑलरेडी प्लास्टिक और पॉलीथीन पर जो है बैन चलाए जा रहे हैं, जिससे हाईकोर्ट की तरफ से जो है पहले ही कुछ ऑर्डर जो है इजरा किए गए, उसके तहत हमने देखा इस पॉलीथीन और इस प्लास्टिक को कम करने के लिए जो है मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम का गुलमर्ग में जो आयोजन किया जा रहा है। इसी हवाले से यहाँ पर एक अवेयरनेस जो यहाँ पर इन जो यहाँ पर ऑप्शन बैठे, चाहे हम सीओ की बात करेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म है, जितने भी हमले यहाँ पर मौजूद थे वो बाजबे तौर जो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर्स है जिनके यहाँ पर दुकान है, जिनके यहाँ पर ढाबाज है, जिनके यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, उन पर जाकर ही अवेयरनेस चलाई गई ताकि वो इस प्लास्टिक और इस पॉलीथीन से जो है परहेज कर सके और गुलमर्ग जो है जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है वादी कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं इस माहौलियाती आलूदगी से दूर रखा जाए, प्लास्टिक और इस पॉलीथीन फ्री बनाने के हवाले से इस तरह के कंपेन्स जो है यहाँ पर आए दिन भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आज हमने देखा क्योंकि आज नेशनल टूरिज्म डे मनाया गया, इस हवाले से यहाँ पर कुछ सयाह भी यहाँ पर देखने को मिले जिन्होंने इस ड्राइव में पार्टिसिपेट किया, यहाँ के स्टेक होल्डर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो यही अवेयरनेस लोगों में दी गई ताकि हम अपने आसपास के माहौल को साफ रखें। अपने घर से ही हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद जितने भी आपके एरियाज पड़ते हैं, चाहे सियाती मकाम आते हैं, पर्यटन स्थल है, जितने भी यहाँ पर आसपास के माहौल इसे साफ रखा जाए और वर्ल्ड नेशनल टूरिज्म डे के हवाले से यही पैगाम रहा, जो भी यहाँ पर आएंगे, जो भी विजिटर्स यहाँ पर आए, ताकि वो यहाँ से जाके यही मैसेज दे कि जिस तरह से गुलमर्ग को या वादी कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, न सिर्फ यहाँ पर हॉस्पिटलिटी की बात करेंगे, मेहमान नवाजी के हवाले से बात करें, बल्कि जो यहाँ का माहौल है, यहाँ का एनवायरमेंट है, कहीं ना कहीं वो अलग थलग जो है नजर आए और अपने माहौल को साफ रखने के लिए जो है इस तरह के इकदाम यहाँ पर महकमे सेहत और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की आए दिन जो है वो देखने को मिले। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक और प्रोग्राम इसी नेशनल टूरिज्म डे के हवाले से मुनक्द हुआ, यहाँ पर जो हॉर्स राइडर्स के साथ वाबस्ता लोग हैं, जो पूनी एसोसिएशन है, वहाँ पर भी एक ड्राइव चलाएगी और बाज़ाबते तौर उनमें भी अवेयरनेस की गई और इस मौके पर हमने देखा इन जो है इनके घोड़े हैं जो यहाँ पर हॉर्सेस चलाते हैं गुलमर्ग के अंदर, ये बाज़ाबते तौर जो है महकमे एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से या गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी या महकमे सियाहत की तरफ से इन्हें बाज़ाबते तौर टैगिंग की गई और जो रजिस्टर्ड पूनी वालाज है, जो रजिस्टर्ड जिनकी रजिस्ट्रेशन गुलमर्ग के अंदर है, इन्हें भी अवेयरनेस दी गई इस नेशनल टूरिज्म डे के हवाले से। तो कुल मिला के हम देखेंगे कि दो तरह के प्रोग्राम आज इस नेशनल
टूरिज्म डे के हवाले से गुड़मा के अंदर देखे क्योंकि एक तो सैनिटेशन ड्राइव का आयोजन यहाँ पर किया गया, दूसरा हमने देखा कि यहाँ पर जो स्टेक होल्डर से जो पोनी वाले से बाजब तौर में भी अवेयरनेस की गई और उनके जो घोड़े उन्हें बाजब तौर टैग किया गया, जो रजिस्टर्ड यहाँ पर हॉर्सेज है उन्हें ही गुड़मा के अंदर जो है इजाज़त जो है वो दी जाएगी। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गुड़मा के अंदर जो है जो यहाँ पर इस घोड़े के साथ वाबस्ता लोग जो स्टेक होल्डर से यहाँ पर आए दिन कुछ शिकायत देखने को मिलते थे, चाहे सयाहत के साथ जो है कई तरह की चीटिंग ना हो, कई तरह के यहाँ पर मसले जो सामने आते थे, इस हवाले से बाजब तो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी महकमे साहब की तरफ से ये स्टेप उठाया गया और आज नेशनल टूरिज्म डे के हवाले से ये प्रोग्राम का जो आयोजन यहाँ पर किया गया ताकि जो हॉर्सेज यहाँ पर रजिस्टर कोई इसे फिर देखने आसानी हो, इसी हवाले से एक और प्रोग्राम जो है यहाँ पर इन जो घोड़े एसोसिएशन जो यहाँ पर पोनी एसोसिएशन इसके हवाले से चलाया गया। तो कुल मिला के हम देखेंगे कि जिस तरह से हम नेशनल टूरिज्म डे के हवाले से देखते हैं मुख्य तरह के प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया, चूंकि जब साहित्य मुकाम गुमक की बात आ गई, चूंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के अंदर जो इस वक्त उतनी बर्फबारी या बारिशें जो है वो रिकॉर्ड नहीं की गई है, जितने भी यहाँ पर पर्यटन तो उम्मीद की जा सकती है कि बारिश होगी या बर्फबारी होगी तो ये सैर सयाहत की फीसदी में इजाफा होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर के ऐसे और भी इलाके हैं जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आदिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मालूमात के लिए।